हेलो नमस्कार दोस्तों, 8 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से वो डिस्कस करेंगे, इसी के साथ कुछ मेन से क्वेश्चन वो भी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, जीएस के पेपर 2 से है, जो कि है इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं नेबरहुड, उनके साथ रिलेशन के बारे में। देखो क्वेश्चन है वो है इंडिया और मालदीव के बारे में, कि भी मालदीव में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहे हैं, मतलब संवैधानिक क्राइसिस चल रहे हैं, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इंडिया को मालदीव में जो भी क्राइसिस चल रहे हैं उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब इंडिया को मालदीव में जो भी हो रहा है उसके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करना है या नहीं करना है, इंटरवेंशन करना है नहीं करना है। इसका आपको बताना है कि इंडिया को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, मतलब इंडिया सीधे तरीके से हस्तक्षेप करे या फिर दूसरे तरीके से इंडिया को इस चीज़ को सोल्व करना चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन है बताना है। क्वेश्चन है वो 250 वर्ड में आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखो इसके बारे में कल भी एक आर्टिकल आया था, तो वो कल हम शाम को डिस्कस नहीं कर पाए थे, और आज भी आर्टिकल है, तो हम दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और उन पॉइंट्स के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर हो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आंसर राइटिंग है डेली जरूर कीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट हम डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम लिखना चाहिए। हाँ अभी मानते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी जरूरी है साथ साथ, बट डेली एक क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट आप दे सकते हो। तो प्लीज़ आप डेली एक क्वेश्चन है वो जरूर लिखेगा। तो सब चलते हैं हम देखो आर्टिकल की तरफ। तो जो आर्टिकल हुआ है मालदीप और इंडिया के रिलेशन के बारे में, तो देखो क्वेश्चन यहाँ सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे जो मालदीप के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इंडिया से गुहार लगाई कि भाई आप इंडिया है वो मतलब वहाँ के इंटर मामलों में हस्तक्षेप करें और वहाँ पे एक जो डेमोक्रेसी उसको प्रॉपर ढंग से चालू करने में सहयोग है वो करें, ये बात थी। तो अब बात क्वेश्चन यहाँ पे सबसे बड़ा उभर के आता है कि इंडिया को इंटरवेंशन या हस्तक्षेप करना चाहिए नहीं करना चाहिए मालदीप के मामलों में। तो देखो पहले तो हम देखते हैं कि हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है। हस्तक्षेप का मतलब है कि इंडिया को उसके जो भी वहाँ के संविधान की तरह जो भी वहाँ पे अंदरूनी काम चल रहा है मालदीप में उनके मामलों में एक तरीके से बीच में अंगुली करनी है नहीं करनी, सीधा सीधा मतलब आपको बता रहा हूँ। पर देखो बात ऐसी आती है कि इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप होता है वो हमेशा सॉवरेंटी के खिलाफ होता है। जिस प्रकार से इंडिया के इंटरनल मामलों में कोई दूसरी कंट्री आके कुछ हस्तक्षेप कर दे कि आप ऐसे करिए ये करिए, तो इंडिया को अच्छा नहीं लगा, मतलब इंडिया की संप्रभुता है, इंडिया की सॉवरेंटी को खतरा होता है। सेम उसी प्रकार से किसी भी कंट्री के लिए अगर कोई इंटरवेंशन होती है तो उसकी सॉवरेंटी के खिलाफ होती है। इंडिया ने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया कि कभी भी किसी कंट्री को दूसरी कंट्री के मामलों में एक तरीके से हस्तक्षेप वगैरह नहीं करना चाहिए, बट पड़ोसी देशों के मामलों में ऐसा नहीं है। इंडिया के पड़ोसी देशों के मामलों में इंडिया इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, मतलब इंडिया है अपने पड़ोसी देशों के मामलों में हस्तक्षेप है इंटरवेंशन है वो करता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि 1971 में आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, और वो क्यों हुई थी, मेनली पूर्वी बांग्लादेश मतलब पूरी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए। तो वो भी एक्चुअली भारत ने पाकिस्तान में जाके हस्तक्षेप किया था, तभी पूरी बांग्लादेश है वो आजाद हुआ था। इसके बाद में बात आती है 1980 में श्रीलंका में इंडिया ने इंटरवेंशन किया था, और इसी के बाद में बात आती है 1988 की। तो 1988 में भी इंडिया ने मालदीप के अंदर एक ऑपरेशन चलाया था और उसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस। तो देखो ये एक चीज़ यहाँ पे प्रीलिम्स का पॉइंट आ जाता है। देखो एक आपको एक बात बताऊँ कि कई बार क्या है कि हम प्रीलिम्स का कुछ पॉइंट है वो एडिटोरियल के वो हम प्रीलिम्स वाले वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाते हैं, तो यहाँ भी आप जो कुछ पॉइंट आते हैं आप उनको नोट डाउन करके रख सकते हो। तो अभी ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि ऑपरेशन कैक्टस, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें रह जाती हैं। देखो ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें वो कवर करते हुए चल रहे हैं, बट फिर भी कई बार एक ही दुख की चीज़ रह जाती है, तो आप यहाँ से उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। तो मेनली बात यह है कि इंडिया ने मतलब श्रीलंका में भी हस्तक्षेप किया, मालदीप में पहले भी हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान के मामले में भी। तो इंडिया हस्तक्षेप क्यों करता है एक्चुअली? तो देखो इंडिया ने हस्तक्षेप इसलिए किया था एट लास्ट कंडीशन में, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके थे। जब पाकिस्तान का बात की जाए 1971 में, तो वहाँ पे बहुत तरीके से आपस में लड़ाई बढ़ चुकी थी, पूर्वी पाकिस्तान और मैंने देखा जाए तो पश्चिमी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। इसकी वजह से वहाँ पे एक्चुअली डेमोक्रेसी खतरे में आ गई थी और बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई थी। देखो अगर इंडिया के पड़ोसी देशों में अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो इंडिया पे ही पड़ता है, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं तो वहां पे अगर अराजकता फैलती है तो वो लोग हैं वो इंडिया में माइग्रेट होते हैं, तो उससे इंडिया को भी काफी दिक्कत होती है। इसीलिए इंडिया वो हस्तक्षेप करता है, मतलब शांति स्थापित करने के लिए या वापस एक तरीके से स्टेबिलिटी है उसको कायम रखने के लिए काम हस्तक्षेप है वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। अदरवाइज इंडिया वो कोई भी दूसरे मामलों में हस्तक्षेप कोई अंगुली है वो नहीं करता है। बट देखो बात आती है चाइना की, चाइना का जो नज़रिया वो हमेशा ही अलग रहा है। चाइना क्या है कि दूसरे मामलों में इंटरफेरेंस करने की या इंटरवेंशन करने की कोशिश हमेशा करता है, वो डिप्लोमेसी की भी हेल्प लेता है, कई बार डिप्लोमेसी के थ्रू भी हस्तक्षेप करता है। इंडिया क्या करता है, इंडिया स्टेबिलिटी के लिए स्टेप अपनाता है कि भाई वहाँ पे शांति जरूरी है, अदरवाइज इंडिया को उससे खतरा होता है। बट चाइना क्या है, चाइना अपनी प्रभाविता के लिए हस्तक्षेप है वो करता है। तो इंडिया और चाइना का जो मोटो है वो दोनों अलग अलग है। चाइना है वो जानबूझ के अपने विस्तारवादी नीति के तहत हस्तक्षेप है वो करता है, मतलब अपने पड़ोसी देशों में।
अब देखो मेरे लिए इंडिया के पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन ये होता है कि इंडिया है वो अपने पड़ोसी देशों में जिसकी भी गवर्नमेंट बन रही है उसको बनने दे और उसके साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश करे। एक तो ये ऑप्शन होता है इंडिया की। दूसरी बात ये होती है कि इंडिया है वो अपने जो भी पड़ोसी देश है उसमें अपने फेवर की गवर्नमेंट है वो बनाई। अपने फेवर की गवर्नमेंट बनेगा तो इससे नुकसान क्या होगा? देखो इससे नुकसान ये होगा कि एक तो वहाँ के लोग हैं उनमें नाराजगी हो जाएगी इंडिया के खिलाफ, और वो लोग बोल गएंगे इंडिया पे आरोप कि भी इंडिया है वो मतलब एक तरह से बिग ब्रदर का रवैया है वो अपना रहा है। जिस प्रकार इंडिया है वो हस्तक्षेप करता है नेपाल के मामलों में, तो नेपाल है वो इंडिया पे बिग ब्रदर का रवैया अपनाता है कि भाई इंडिया है हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करो और हमें ढंग से काम नहीं करने दे रहा है। तो इससे क्या होता है, लोगों में नाराजगी होती है और वो इंडिया के सॉफ्ट पावर के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खतरा है वो बन जाती है। तो अब बात यहाँ पे आती है देखो कि इंडिया को मतलब जो मेनली मालदीप का इश्यू है इसमें हस्तक्षेप करना है या नहीं करना है। तो देखो इसकी बात ऐसी है कि अगर हस्तक्षेप करना होता है तो वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो वहाँ के लोकल लोग हैं वो काफ़ी विरोध कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में हस्तक्षेप बहुत महंगा पड़ जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि माहौल पूरा अपोजिट होता है, दूसरी कंट्री अगर हस्तक्षेप करे तो उसे बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है, काफ़ी जान माल का नुकसान भी होता है, तो इसलिए हस्तक्षेप करना इतना आसान नहीं होता है। बट बात यहाँ पे कि अगर इंडिया है वो मालदीप के लिए कुछ भी एक्शन नहीं लेगा तो वो इसका मतलब ये है कि इंडिया अभी जो वहाँ रिसेंटली जो कुछ हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब इंडिया ही चाहता है कि वहाँ पे जो हो रहा है वो होने दे, इसलिए इंडिया को कुछ ना कुछ स्टेप तो अपनाना होगा। तो इसलिए राइटर के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं कि भाई इंडिया को ऐसी अप्रोच अपनानी है मतलब एक तरीके से सांप भी मर जाए और लाठी भी नोटे वो वाला काम करना है। तो सबसे पहले इंडिया को क्या करना है, सबसे पहले इंडिया को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में मध्यस्थता का काम करके शांति स्थापित करनी है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है उनको करना है ताकि सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू है वो भी वहां बनी रहे और डेमोक्रेसी वो भी आगे चलती रहे, और उसके बाद आगे इंडिया को हस्तक्षेप वगैरह करने की प्रोसीजर वो आगे अकॉर्डिंग देखनी चाहिए कि अभी माहौल कैसा है, उसके बाद इंडिया को आगे काम वो करना है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया, आई होप अब आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आज का आर्टिकल है वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो देखो आर्टिकल में मेनली ये कहा गया है कि आरबीआई की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, रेपो रेट वगैरह है वो कम नहीं की गई है। काफी लोग कयास लगा रहे थे कि आरबीआई ने पिछली बार भी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट चेंज नहीं की और अभी रेपो रेट चेंज नहीं की, तो इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि अभी महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात यह है कि देखो अभी हमारा बजट है उसमें किसानों के लिए काफी अच्छे प्रावधान है या मिडिल क्लास के लिए काफी अच्छे प्रावधान रखे गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि किसानों की अर्निंग लेवल है वो बढ़ेगी। तो अगर आप किसानों की देखो कि अर्निंग लेवल बढ़ेगी इसका मतलब ये हुआ कि किसानों की परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ेगी, और इसी के साथ मार्केट में देखा जाए तेल और के जो प्राइसेज हैं मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये कि महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। अब देखो किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब और महंगाई से क्या रिलेशन हुआ आपको बताता हूँ। किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है मतलब किसानों के पास पैसा आ रहा है, किसान मार्केट में जाके चीज खरीदेंगे, तो अगर ऑब्वियसली किसान मार्केट में जाके चीज ज्यादा खरीदेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, और मार्केट में पैसा आएगा तो डिमांड भी बढ़ेगी वहां पर मार्केट में, क्योंकि किसान खरीदेंगे तो डिमांड तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो डिमांड बढ़ने से साइकिल क्या होगा, जो प्रोडक्शन कंपनी है उन पे भी बोझ पड़ेगा कि वो भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, तो इससे क्या होगा उन कंपनीज में भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेंगे और वहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स आएंगे, तो क्या होगा हमारी इकोनॉमी है वो पटरी पे आ जाएगी और एक तरीके से महंगाई वो बढ़ सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार मॉनिटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि अगर देखो गवर्नमेंट अगर रेपो रेट कम गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे आरबीआई से ले रहा हूँ सॉरी कि आरबीआई अगर रेपो रेट कम करती है तो इसका मतलब क्या होता कि मार्केट में लिक्विडिटी वो बढ़ जाती है, अगर मार्केट में पैसा बढ़ जाता तो होता क्या महंगाई बढ़ जाती, ये तो साइकिल हम देखो काफी बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ डाउट हो इससे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो इन चीज़ों के बारे में। तो आर्टिकल वो कह रहा है कि देखो अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो पेट्रोल की प्राइस है वो भी बढ़ रही है और किसानों की परचेजिंग पावर वो बढ़ रही है और अभी वैसे खुल अपने आप महंगाई वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अगर इस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट रेपो रेट कम करती है मतलब आरबीआई रेपो रेट कम करती है तो इंडिया को इससे नुकसान हो सकता है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट की आरबीआई ने रेपो रेट है वो ज्यादा मतलब रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किया है, मॉनिटरी पॉलिसी वो वैसी की वैसी रही है। तो ये था जो आर्टिकल के पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आर्टिकल था वो मेनली एडल्ट मैरिज के बारे में था। आर्टिकल था उसमें मेनली खाप पंचायत का टॉपिक है वो डिस्कस किया गया है कि भाई खाप पंचायत जैसी जो भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में, तो उनके बारे में आर्टिकल ये कहना है कि देखो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि जो अभी एडल्ट के बीच में रिलेशन होता है चाहे उनको इंटरकास्ट मैरिज हो या फिर चाहे लव मैरिज हो या फिर चाहे जो भी उनका पर्सनल मैटर हो मतलब कोई भी दो एडल्ट अगर वो शादी करे जो भी उनका रिलेशन है उसमें खाप पंचायत को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इससे पहले हम एक वर्डिक्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में खाप पंचायत को कहा था कि भाई खाप पंचायत है वो कंगारू कोर्ट है मतलब वो आज के टाइम पर रिलेवेंट नहीं है। देखो खाप पंचायत है वो मिडवल टाइम के लिए काफ़ी सही थी क्योंकि उस टाइम पे क्या था लॉ वगैरह कुछ नहीं थे, तो इसलिए खाप पंचायत उस टाइम पर डिसीजन लेती थी। बट आज है
मध्यकालीन सोच की कोई जरूरत नहीं है। आज है इंडिया मॉडर्न होता जा रहा है, काफी आगे इंडिया को बढ़ना है, तो इसलिए इंडिया को जो पीछे की सड़ी गली जो सोच है, दकियानुस जो प्रथाएं हैं या जो मध्यकालीन सोच है उसको बदलना होगा। और इसीलिए आज के टाइम की रिलेवेंट जो खा पंचायत है वो सही नहीं है, ऐसी कम्युनिटी है ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि देखो खा पंचायत है वो इंटरकास्ट हुई, लव मैरिज हुई, इसके ओनर किलिंग है, इनको सपोर्ट करती है, जो मतलब इंटरकास्ट मैरिज को नुकसान पहुंचाती है, इनके विरोध में काम करती है, लव मैरिज को वो मानती नहीं है, या फिर जैसे सेम कास्ट में अगर मैरिज होती है तो उसका भी वो विरोध करती है ओनर किलिंग वगैरह का। तो आर्टिकल ये कहना है कि देखो पहले के टाइम पे जो धर्म वगैरह है, जो कास्ट वगैरह होती थी वो काम के आधार पे होती थी, बट बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इनको धर्म के आधार पे लेना शुरू कर दिया, तो वो चीजें आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि कुछ लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, उसके बाद भी वो जैसे खाप पंचायत जैसी कम्युनिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको सपोर्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी के लिए चीजें खतरा बन सकती है। मतलब पढ़े लिखे लोग एक तरीके से गंवार की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो काफी गलत बात है। फिर यहाँ पे बात आती है, आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो हमारी सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी बहुत जरूरत है। अगर आज के टाइम पे हमने अपने आप को चेंजेस नहीं किया तो आज भी हम अंग्रेजों की तरह गुलाम ही रह जाएंगे। तो बेटर यही है कि हमें एजुकेटेड होते हुए हमारी जो सोच है, हमारी जो भी व्यवहारिक प्रथाएं हैं, उनको हमें बदलना होगा, मतलब जो कमी है हमें उनको दूर करना होगा, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सोशल रिफॉर्म है वो लेके आने होंगे। तो ये थे कंप्लीट आर्टिकल के पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आगे चलते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो मेनली आता है पेटेंट के बारे में, तो देखते हैं इसमें क्या पॉइंट है। देखो सबसे पहले बात है कि पेटेंट होता क्या है, पेटेंट का मतलब इससे हम एग्जांपल समझेंगे तब मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो कोई भी एक कंपनी है, जैसे कि आप कोई भी कंपनी ले लो, ये मान लो कि कोरेक्स की जो मेडिसिन है उसका एग्जांपल ले लो, कि कोरेक्स जिस कंपनी ने मेडिसिन बनाई, अब उस कंपनी ने काफ़ी देखो पहले रिसर्च वगैरह करनी होती है, काफ़ी उसे क्लिनिकल ट्रायल करने होते हैं, फिर उस वो मेडिसिन बनाती है, तो उसका काफ़ी कुछ खर्चा होता है। तो वो कंपनी तो ये चाहेगी ना कि भैया मेडिसिन मार्केट में बिके तो उसका पहले प्रॉफिट हो, उसने जो खर्चा किया है वो उसका वसूली हो, तो मतलब वो अपनी जो कॉस्ट प्राइस है, जो भी उसका काफ़ी खर्चा हो उसको वसूलने की कोशिश करेगी। और इसीलिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट होता है, वो क्या करती हैं, जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज होती हैं, दवाइयों की जो कंपनी होती है, इनको कुछ समय के लिए राइट दे देती हैं कि भी आप ही इस मेडिसिन को बनाओगे, आपके अलावा कोई और नहीं बना सकता इस सेम मेडिसिन को। मतलब एक तरीके से उनको कुछ टाइम के लिए मोनोपोली दी जाती है। नॉर्मली देखो जो पेटेंट है उसकी एज है 20 साल होती है, बट डिफरेंट केसेज में इसकी एज जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है, कि मतलब 20 साल के लिए टाइम पीरियड वो होता है कि भैया 20 साल तक उसी कंपनी की मोनोपोली होती है, कि वो कंपनी है अपने रिसर्च का जो भी उसका खर्चा है, उसने काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल वगैरह किए, उन सब का जो पैसा वो वसूल कर सके, खर्चे को वसूल करने के लिए। क्योंकि देखो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि जो कंपनीज हैं वो एक तरीके से नई रिसर्च नहीं कर पाएगी, उनके पास पैसा ही नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली उनके लिए चीज़ जरूरी है पेटेंट की। बट होता क्या है, पेटेंट से गरीब लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि देखो गरीब लोग हैं वो दवाओं को फिर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और आपको पता है गरीब लोगों के पास पैसा तो नहीं है, तो इसलिए क्या होता है वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और अमीर लोग हैं वो इजीली अफोर्ड कर लेते हैं, तो मतलब गरीब लोगों की एक्सेस नहीं होता, तो ये पेटेंट का एक ड्रॉबैक भी है। फिर यहाँ पे आर्टिकल में एग्जाम्पल आता है, वो होता है ह्यूमरा मेडिसिन का। जो ह्यूमरा मेडिसिन है वो मेनली अर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट पेन, जिसे हम गठिया बोलते हैं, उसकी एक मेडिसिन है, तो उसकी कंपनी का नाम है FY कंपनी का नाम है, तो मैं देखो नाम वगैरह कंपनी का तो कोई जरूरी नहीं है, बट आर्टिकल में जो केस है ये मेनली अपन GS-4 के पेपर में भी इस केस स्टडी का यूज है वो कर सकते हैं। तो राइटर ये बता रहे हैं कि जो ह्यूमरा मेडिसिन है उसका पेटेंट पहले 2015 तक था, और इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जो पेटेंट राइट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और बाकी कंट्रीज में USA के एग्जाम्पल ज्यादा कि US में पेटेंट राइट है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो उसका नुकसान वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आर्टिकल ये कह रहा है कि जो ह्यूमरा मेडिसिन है उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया, और 2015 के बाद इस कंपनी ने वापस दोबारा पेटेंट लेने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेटेंट है वो दोबारा पेटेंट लेने का क्या मतलब होता है, और प्राइमरी पेटेंट क्या होता है। देखो पेटेंट है वो नॉर्मली होते हैं प्राइमरी पेटेंट रेजिम और सेकेंडरी पेटेंट रेजिम। जैसे कि कोई कंपनी है उसने सबसे पहले मेडिसिन बनाई, चाहे ह्यूमरा मेडिसिन का एग्जांपल ले लो, कि ह्यूमरा मेडिसिन जो कंपनी ने बनाई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में बनाई, तो उसको मिलेगा प्राइमरी पेटेंट, कि यहाँ उसने नई मेडिसिन बनाई है तो उसको पेटेंट मिल जाएगा, कि जो 20 साल 25 साल जो भी टाइम पीरियड होता है उसके लिए। 20 साल तक उस कंपनी की मोनोपोली रहेगी, वो मेडिसिन बना के बेचेगी और उसी को खूब अच्छा प्रॉफिट है वो होता रहेगा। अब होता क्या है, जो प्राइमरी पेटेंट होता है इसके बाद में कंपनियां क्या है, कंपनी को लालच आता है कि यार क्यों ना हम इस पेटेंट में थोड़ा बहुत 19-20 का चेंज कर दें। वो क्या करती हैं, दवा का थोड़ा कलर चेंज कर देती हैं, थोड़ा डिजाइन कर देती हैं, को पैकेट वगैरह मतलब थोड़ा क्या है दिखाओ वगैरह कुछ कर देती हैं, और फिर सेकेंडरी पेटेंट मतलब दोबारा उस चीज़ का पेटेंट लेने की कोशिश करती हैं, कि भाई हमने तो देखो इसमें दवा में चेंज कर दिया, थोड़ी सी 1-2 साल्ट है वो ऊपर नीचे कर देती हैं, मतलब जुगाड़ तुगाड़ लगा के ये काम करती है नॉर्मली।
अब उससे होता क्या है, उससे नुकसान नहीं होता कि मेडिसिन में तो कोई खास चेंज नहीं हुआ है, बस केवल उसका थोड़ा बाहरी दिखावा वगैरह वो चेंज कर दिया है और दोबारा पेटेंट लेने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने पहले 20 साल के लिए तो पेटेंट पहले लिया और फिर वापस दोबारा पेटेंट लेने की कोशिश करी है और फिर वापस 20 साल होने लगेंगे तो थोड़ा बहुत और चेंज कर देंगे। मतलब कंपनी एवरग्रीन पेटेंट की तरफ भागती रहती है कि वो सोचते हैं कि हमेशा ही पेटेंट है उसके अंडर है और वो खूब सारा पैसा कमा सके। अब देखो यूएसए में जो सेकेंडरी पेटेंट का रेजिम है ना, जो एवरग्रीन पेटेंट का कॉन्सेप्ट आता है, ये वहां पे इसके रूल है काफी सॉफ्ट है, तो वहां पे तो इजीली सेकेंडरी पेटेंट रेजिम वो सेकेंडरी पेटेंट वो मिल जाता है तो कंपनियों को, बट इंडिया में नहीं मिलता है। और यहाँ पे बात आती है ह्यूमरा जो मेडिसिन है उसको इंडिया में पेटेंट के नहीं दिया गया सेकेंडरी पेटेंट रेजिम, जबकि यूएसए में उस पेटेंट रेजिम है वो दे दिया गया। तो हुआ क्या, यूएसए में सेकेंडरी पेटेंट रेजिम देने का मतलब ये होगा कि वहां पे जो मेडिसिन है वो मिलती है अप्रोक्सीमेट $1,300 के आसपास, और जबकि इंडिया में ये मेडिसिन मिल रही है $200 के आसपास। मतलब क्या हुआ कि इंडिया के रूल रेगुलेशन है वो काफी स्ट्रिक्ट है, इंडिया छोटी मोटी बातों को अगर अपडेट कर दिया जाता है मेडिसिन में उस कंडीशन में सेकेंडरी पेटेंट वो नहीं देता, क्योंकि इंडिया इस चीज को भली भांति जानता है कि भाई हमारे देश में गरीब लोग हैं, अगर मेडिसिन में हल्का सा चेंज हो रहा है उस कंडीशन में अगर हम पेटेंट दे के वापस रिन्यू करने लग गए तो हमारे देश का तो भला हो गया। तो इसलिए इंडिया ऐसा काम नहीं कर रहा है, मतलब स्मॉल चेंजेस करने के ऊपर जो पेटेंट की मांग होती है इंडिया उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कई बार इस चीज को लेकर यूएसए कहता है इंडिया को कि भाई इंडिया के रूल रेगुलेशन अच्छे नहीं है, बट हकीकत तो यह है कि इंडिया के रूल रेगुलेशन तो काफी अच्छे हैं, बट यूएसए की जो पेटेंट के राइट है वो काफी ढीले डाल लें और उसका नुकसान यूएसए को भी होता है और बाकी कंट्रीज को भी होता है। आप देख सकते हो इस मेडिसिन में कितना डिफरेंस है, $1,100 का फर्क आता है। तो इंडिया में इतनी सेम मेडिसिन है सेम कंपनी की, इंडिया में $200 की मिलती है और वहां पे $1,300 की। अब देखो बात आती है इंडिया की कि इंडिया में किस तरीके से सेकेंडरी पेटेंट है वो मिलता है। सेकेंडरी पेटेंट इंडिया में मिलने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिसिन है उसमें काफी बड़ा चेंज होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी है या तो वो बढ़नी चाहिए, इसके साथ ही उसकी एफिशिएंसी है उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 19-20 का फर्क हो, मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं ना कि एक तरीके से रिवोल्यूशन वाला काम होना चाहिए उस मेडिसिन में, तभी कुछ अच्छा रिजल्ट है वो है। और उस कंडीशन में इंडिया की गवर्नमेंट है वो सेकेंडरी पेटेंट को अलाउ करती है, वो सबने हमने रीजन देख लिया। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसके जो पॉइंट्स वगैरह थे। अब चलते हैं हम आगे अगले आर्टिकल में। अगला जो आर्टिकल है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेके आया, तो इसके बारे में देखते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या क्या जो पॉइंट है वो कहे गए। एक सेकेंड, आर्टिकल में देखो ये कहा गया है कि सबसे पहले कि इंडिया में भाई जो इन्वेस्टमेंट है ना वो काफी कम हुआ है पिछले कुछ सालों से, इन्वेस्टमेंट लगातार कम हो रहा है। आप जानते हो कि अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगा इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमी है वो नीचे जाएगी। इकोनॉमी नीचे इसलिए जाएगी कि मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो साफ साफ क्या होगा, नई कंपनी जॉब है वो नहीं आएंगी और नए प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी है वो नहीं बढ़ेगी, डिमांड वगैरह सब कुछ क्या ठप हो जाएगा। ये साइकिल हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं साइकिल के बारे में। अब आगे आती है बात पब्लिक इन्वेस्टमेंट की। आर्टिकल ये कह रहा है कि इंडिया में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो तो कम है ही है और इसी के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी कम है। अब देखो बात आती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की और पब्लिक की। देखो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती हो, देखो गवर्नमेंट को लिमिट होती है कि गवर्नमेंट एक लिमिट के बाद इन्वेस्टमेंट है वो नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे होते हैं बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट है वो एक लिमिट के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे बात आती है प्राइवेट इन्वेस्ट की। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो वो भी इंडिया में लगातार कम हुआ है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है नॉन फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है कि जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं जो कि काफी बड़े रजिस्टर्ड ग्रुप होते हैं, जैसे कि काफी बड़ी कंपनी टाटा वगैरह, आप इनको एग्जांपल ले लो कि एक जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स ही होते हैं फॉर्मल इन्वेस्टर्स, क्योंकि इनके पास पैसा होता है और ये इन्वेस्ट करते हैं। और देखो बात यह है कि इनकी इन्वेस्टमेंट है वो तो हमारे देश में ठीक ठाक है। कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट ग्रुप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बट राइटर कह रहे हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट है वो डाटा देखा जाए तो इनकी इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक चल रही है, 2015 के बाद ये इन्वेस्टमेंट है अच्छा खासा कर रहे हैं। बट जो नॉन फॉर्मल सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नॉन फॉर्मल सेक्टर का मतलब वो होता है कि वो सेक्टर जो या तो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं या फिर घरेलू होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जगह मतलब कुछ लोग हैं 2000 लोगों ने आपस में एक टेम्परेरी घर पे दुकान खोली, जैसे डिब्बे बनाने की फैक्ट्री खोल ली घर के अंदर, या फिर पंखे बनाने की कोई छोटी फैक्ट्री खोल ली, या फिर वायर बनाने की। तो इस तरीके की जो छोटे छोटे जो इंडस्ट्री होती है घरों के अंदर 2, 5, 10, 15 लोगों की, ये होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर या नॉन फॉर्मल सेक्टर इनको कहा जाता है। तो आर्टिकल कह रहा है कि जो नॉन फॉर्मल सेक्टर है इनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट है नहीं बढ़ रहा है, और हमारे देश में जो ज्यादातर सेक्टर है वो है नॉन फॉर्मल सेक्टर। तो मतलब जो नॉन फॉर्मल सेक्टर है इसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है और इसी की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी है वो डामाडोल हो रही है, नीचे जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन दो नॉन फॉर्मल सेक्टर इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। अब देखो नॉन फॉर्मल सेक्टर का रीजन ही है कि एक एनपीए की वजह से, कि एनपीए की वजह से क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वजह से नॉन फॉर्मल सेक्टर को लोन नहीं मिल पाता है।
देखो आप एक इस चीज को हम देखते हैं कि एनपीक्यू जैसे इनको लोन क्यों नहीं मिल पाता है। देखो अगर बैंक में अगर हम लोन लेने जाते हैं, अगर कोई बड़ी कंपनी कोई भी कंपनी अगर लोन लेने जाती है तो उसको ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी मांगते हैं कि भैया आपके पास सिक्योरिटी क्या है। तो नॉन फॉर्मल सेक्टर के पास देखो ना तो वो रजिस्टर्ड होती है मैक्सिमम, ना ही उनके पास ऐसे कोई सिक्योरिटी वगैरह होती है। तो इस कंडीशन में क्या इनको लोन इतना आसानी से नहीं मिल पाता है, इनको महंगी रेट पर लोन मिलता है और इनसे रिस्क भी काफी ज्यादा होता है क्योंकि इनके पास कोई सिक्योरिटी होती नहीं है इतनी ज्यादा। तो इसलिए क्या होता है बैंक इनको लोन देने से थोड़े डरते हैं। और अभी आपको बताया कि हमारे देश में एनपी की हालत भी कुछ अच्छी खासी सी चल रही थी, तो इसकी वजह से इन सेक्टर को लोन नहीं मिल पा रहा था और इसकी वजह से यहाँ से इन्वेस्टमेंट है वो नहीं बढ़ पा रहा। तो हमने ये चीज डिस्कस की यहाँ पे कि यहाँ से लोन क्यों नहीं मिल पा रहा था। अब आगे देखते हैं, आगे फिर राइटर ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट है मतलब जो राजकोषीय घाटा है, इसकी वजह से भी मार्केट में पैसा वो नहीं हो पाता है, मतलब मार्केट में पैसा वो नहीं रह पाता है। देखो फिजिकल डेफिसिट से मार्केट का पैसा क्यों नहीं रह पाता वो देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट है उसको अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा करिए। अब गवर्नमेंट अगर अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा करिए, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या है जो खर्चा करिए वो बैंकों से पैसा कहीं ना कहीं सोख रही है, मतलब वो मार्केट से पैसा ले रही है। सीधी सीधी बात है कि बैंकों से पैसा ले रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैंकों के पास पैसा नहीं बचेगा क्योंकि वो क्या करेगी, गवर्नमेंट है वो बैंकों से पैसा अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगी, अपनी साइड खींच लेगी, तो बैंकों के पास पैसा होगा नहीं। अब अगर बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा तो बैंक लोगों को लोन कहां से दे पाएंगे, और बैंक लोन किसको नहीं दे पाएंगे, ऑब्वियसली नॉन फॉर्मल सेक्टर को, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं इनके पास तो थोड़ा बहुत पैसा होता है, मतलब ये तो इनकी हालत है वो ठीक ठाक होती क्योंकि तो काफी बड़े होते हैं, जबकि नॉन फॉर्मल सेक्टर में दिखा जाती है कि उनके पास पैसा तो होता नहीं है तो इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली नॉन फॉर्मल सेक्टर पे भी बढ़ता है और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा वो नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि इंडिया को कुछ ना कुछ स्टेप उठाने होंगे। सबसे पहली बात तो यह कि जो बैंकों में रिकैपिटलाइजेशन की बात चल रही है उसको गवर्नमेंट को जल्द से पूरा करना होगा। रिकैपिटलाइजेशन अगर गवर्नमेंट पूरा करेगी तो बैंकों के पास पैसा आएगा, अगर बैंकों के पास पैसा आएगा तो बैंक वो लोन देंगे, लोन देंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर या नॉन फॉर्मल सेक्टर वो पैसा लेगा और वो इन्वेस्टमेंट करेगा और उसकी जो इकोनॉमी वो पटरी पर आ जाएगी और हमारे देश की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो ये बात की जा रही है और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि जो मेनली फिजिकल डेफिसिट है इसको भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करिए गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को बैंकों से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट बैंकों से एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रही है मतलब बैंकों के पास पैसा ठीक ठाक रहेगा, उस कंडीशन में बैंक वो आराम से लोन दे पाएंगे। तो इसलिए यही बात राइटर के द्वारा दो पॉइंट दिए गए, तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ये है आज की हमारी कंप्लीट एडिटोरियल डिस्कशन। आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।